इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जबरदस्त फीचर दिया गया है। आप किसी को अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या नहीं तो भीम यूपीआईडी या नहीं तो क्यूआर कोड से आप मनी ट्रांसफर करते हैं, मनी पे करते हैं, मनी सेंड करते हैं। लेकिन एक ऐसा ज़बरदस्त फीचर यहां पे दिया गया है, आपको इन सब चीज़ों का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मोबाइल नंबर से जो है पेमेंट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको चलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन में के चलता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दें, ताकि आपको इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो, कुछ मददगार वीडियो आपके सामने डायरेक्ट मोबाइल पे आ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप जो है एम पिन से लॉग इन कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेंड मनी का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के लिए यहाँ पे तीन तरीके से आप सेंड मनी कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्टैक्ट के थ्रू सिर्फ एक मोबाइल नंबर के जरिए से आप किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर से ही पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को आप यहाँ पे नंबर पर पैसा भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति का नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आप जितना भी अमाउंट यहां पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहां पे दे सकते हैं। तो डेमो के तौर पे हम आपको 3 रुपया दिखा रहे हैं। उसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से पेज को आप देख लीजिए, कहीं मिस्टेक तो आप नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कन्फर्म बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर एम पिन बोला जाता है डालने के लिए। यहाँ पे एम पिन ही आपका यूपीआई पिन बन जाता है। बहुत ही अच्छी बात है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट वाले ग्राहकों के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम एम पिन यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेसिंग हो रहा। उसके बाद आपका जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैसेज भी चला गया है, यानी कि मैसेज भी आ चुका है। आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर वाले बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप, फेसबुक, जिधर भी आपको शेयर करना है आप कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से मनी को जो है, पैसा को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू बैलेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मेरा अकाउंट में बैलेंस था 2810.33 रुपये। तो यहाँ पे 2807.33 रुपये बचा हुआ, यानी कि पैसा यहाँ पे 3 रुपया कट चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 नवंबर है। तो आप इसी तरीके से सिर्फ मोबाइल नंबर के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी दूसरे बैंक में सिर्फ मोबाइल के जरिए पैसा को पेमेंट नहीं कर सकते, पैसा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सेम बैंक होना चाहिए, जो आपके पास बैंक है वही दूसरे वाले व्यक्ति के पास भी बैंक है, तभी आप जो है पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाए। फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।